हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक डैम, जो कि आप देख रहे हो। ये मॉडल थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है हमारे चैनल पे। और भी बहुत सारे मॉडल हैं हाइड्रोलिक डैम से रिलेटेड, बट इसके अंदर थोड़ा सा वर्किंग आपको चेंज मिलेगा और यूनिक मिलेगा। इसमें एग्जैक्टली कैसा होता है एक्चुअल में, तो हमने वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसको बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि डैम का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी। माउंटेन से घिरा हुआ इधर डैम है, और यहाँ से हमारा सड़क भी नीचे माउंटेन से उतर रही है, और इधर हमारा फार्मिंग भी हो रही है, स्ट्रक फार्मिंग भी शो किया हुआ, जैसे हमारा हिल एरिया में मोस्टली होता है इस तरह का, हमने इसमें शो किया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सेंटर से हमने तीन गेट बनाई हुई, तीन गेटों से पाइप निकली हुई है, और जो वर्किंग दिखाएंगे पानी का यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने टर्बाइन लगाई हुई है, जो टर्बाइन होती है हमारी डायरेक्ट मेन गेट पे नहीं होती है, जो एग्जिट द्वार पे होती है। टर्बाइन वाली पोर्शन हमारी साइड से होती है, जहाँ की टर्बाइन घूमते हुए नजर आएगी जब हम वाटर फ्लो करेंगे। तो इसका वर्किंग कैसे किया है, कैसे आप लोग कर सकते हो, सारा प्रोसेस हम आप बताएंगे आपको। और ये लास्ट में टब है, टब में पानी वाटर फिल करके हम रख सकते हैं, ताकि हमारा ये प्रॉपर वर्किंग करते रहे मॉडल, और इसको हम करके दिखाएंगे अभी वर्किंग सारा चीज़। तो इसको बनाने के लिए हमने यूज़ किया हुआ पी ओ पी से बनाया हुआ हमने, जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको पी ओ पी और क्लोथ मिलके स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है ये सारा चीज़। और ये कैसे बनाया क्या और क्या कैसे मटेरियल यूज हुआ है, तो इसकी वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन डी आई वाई पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख के, वहाँ से आप इस वीडियो का डी आई वाई मॉडल देख सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके इस मॉडल देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल जो हमने बनाई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बनाई हुई है, सिविल इंजीनियरिंग जो मॉडल मिलते हैं उनके लिए बनाई है। अदरवाइज अगर आप अपने स्कूल एग्जीबिशन के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो इसके वर्किंग के लिए हमने यहाँ पे मोटर लगाई हुई है, वाटर पम्प। ये वाटर को यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके फिर वहाँ से गेट से हमें निकालते हुए गेट से वहाँ से रिलीज करेंगे, और रिलीज के ये पानी दोबारा ड्रिप होते रहेगा, दोबारा रिसाइकल करते रहेगा, ये प्रोसेस बार बार दोहराते रहेगा। तो मोटर चलाने के लिए हमने यूज़ किया हुआ एडेप्टर, पावर एडेप्टर, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एडेप्टर लिया है 9 वोल्ट की। और ये जो टर्बाइन है, टर्बाइन के नीचे डायनमो है, दो डायनमो लगाई हुई है दोनों के नीचे, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ऐसा कुछ हम शो कर रहे हैं। और यहाँ पे एलईडी ऊपर दो लगाए हुए हैं, चार एलईडी लगाए हुए हैं, चारों एलईडी में इसकी लाइटिंग जलेगी ऐसा कुछ इंडिकेट किए हैं हमने। बट ये जो एक्चुअल में जो डायनमो है टर्बाइन, इसके नीचे हमने डीसी मोटर लगाए हुए हैं, जिसको हमने बैटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उतनी वाटर फ्लो तो हो नहीं रही ताकि बिजली जनरेट हो। बट प्रोसेस हमने सारा शो किया हुआ है जो कि डैम में होता है। तो इसका वर्किंग करके देखते हैं। वाटर यहाँ ऑलरेडी फिल किया हुआ हमने, तो वर्किंग के लिए हमारा ये एडाप्टर जो है इसको हम पावर में प्लग इन करना पड़ेगा। पावर प्लग इन करते ही हमारा मोटर का वर्किंग चालू हो गया। आपको यहाँ वाटर फ्लो नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको यहाँ वाटर फ्लो, यहाँ से वाटर फ्लो यहाँ आएगी। उसके बाद ये हमारी लाइट जल चुकी है, और ये हम इसको टर्बाइन ऑन कर देते हैं। आप ये देख रहे हो कि जो हमारा डायनमो भी रोटेट होना चालू हो चुका है, तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारा डायनमो मोटर है वहाँ से बिजली जनरेट हो रही है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने एलईडी लाइट में। तो ये इसका वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग आपको समझ आ गई होगी हमने वर्किंग कैसे किया है इसका। तो अभी इसको हम बंद करते हैं। बाकी चीज़ आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो इस मॉडल में कैसे क्या चीज़ किया है, तो वो हमारे जो वीडियो डीआईवाई वीडियो है उसमें आप देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसे आप ईजिली आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। तो बताइए कैसे लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट ये हमारा हाइड्रोलिक डैम का, कमेंट कर जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशनल प्रोजेक्ट और एजुकेशनल किट का हेल्प मिल पाए, और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।